लिस्टें भेजी जा रही है, हमारे वर्कर 50, 40, 60 एक साथ थोक में उठा रहे हैं और पुलिस स्टेशन जाके उनको बंद करते हैं और बाद में कॉल्स भी करते हैं। हमें नहीं पता है कौन कॉल्स करता है, मगर वो कहते हैं पुलिस है कि आप बायकॉट करो, वो डालने क्यों निकलोगे। तो छापा डाला, हमारा जोन प्रेसिडेंट है राजपुरा का, लतीफ है उसका नाम, पीर लतीफ, उसके यहाँ छापा डाला, उसकी फैमिली को घर से बाहर निकाला, उसकी बेटियों को निकाला, बीवी को निकाला और रात को उनके घर में छापा डाला। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? अगर इनको 87 रिपीट करना है, अभी तो हमारा वो जो 87 के जो मुसीबतें हैं उसी से हम बाहर नहीं निकल रहे, ये दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से भी ये बात कहना चाहती हूँ कि आज आपके वाजपेयी जी ने ही यहाँ लोगों को वोट की पर्ची में थोड़ा सा भरोसा दिलाया है 2002 इलेक्शन के बाद। अगर आप उसको भी खत्म करना चाहते हैं किसी प्रॉक्सी कैंडिडेट को जिताने के लिए या किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए, सीधे बोलिए हम विड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको इतना डर लगता है पीडीपी के से तो सीधे बोल दीजिए। अगर आप लोगों को वोट देने का हक भी उनसे छीनना चाहते हैं तो सीधे बताइए, हमें बोलिए कि पीडीपी विड्रॉ कर ले, हम ऐसे करेंगे। हम नहीं चाहते आप हमारे वर्करों और आम लोगों को इतना हरासा करें, इतना परेशान। आज तो पता है अरेस्ट करें, मुझे नहीं पता कल दिन को क्या करेंगे ये, वन डजंट नो, ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो हम अपने लोगों को खतरे में क्यों डालें? बोले सीधे कि हमने आपको इलेक्शन में हराना है तो हम सीधे चल निकल आएंगे बाहर, और क्या कर सकते हैं। मैम क्या कोई रिप्लाई मिला आपको ईसीआई से? सॉरी, ईसीआई से कोई रिप्लाई आया? नहीं, रिप्लाई तो अभी तक तो नहीं आया, पर ये जो है आपके यहाँ जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो भी है उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनको भी बता दिया। मैंने कहा अगर आपने यही करना है तो फिर हमें बता दीजिए, फिर हम क्या कर रहे हैं। फिर अगर आपने कश्मीरियों से ये भी हक छीन लेना है कि वो अपनी मर्जी से वोट भी नहीं डाल सकते, उनको इतना डराना धमकाना, पहली बार एक सरकार की तरफ से लोग फोन कर रहे हैं बायकॉट वो करवाना चाहते हैं, तो मैं ये तो बड़े अफसोस की बात है। इससे बड़ा आप नेशनल इंटरेस्ट को और क्या धचका पहुंचा सकते हैं कि आज यूथ निकला है वो दे वॉन्ट टू, वो अपने फीलिंग्स को वेंट देना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि भाई आपने जो किया गलत किया उस वो बताना चाहते हैं वो बात, और आप उनको वो बात बताने के लिए भी सुनने के लिए तैयार नहीं। आप उस वोट में भी खयानत करना चाहते हैं, आप डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को, पीडीपी को बाहर रखने के लिए, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट।